सब्सक्राइब कीजिए स्टार गुरु यूट्यूब चैनल को। दोस्तों इस घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलिएगा एकदम धमाकेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार गुरु में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल में ऐसा काम कर सकते हो जैसा काम आपने अब तक अपने मोबाइल में नहीं किया होगा। दोस्तों आपने अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर अपनी फ़ोटो लगाई होगी, आप अपनी लॉक स्क्रीन पर आप अपनी फ़ोटो लगाई होगी, मगर दोस्तों अब आप नोटिफिकेशन बार पर भी अपनी फ़ोटो लगा सकते हो। जिस तरह से आप मेरे मोबाइल की नोटिफिकेशन बार में देख पा रहे हो, इस तरीके की फ़ोटो आप भी अपने मोबाइल में लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों आपको अपने गूगल क्रोम में आना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है एपीके प्योर, और एपीके प्योर लिखने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है कलर स्टेटस बार। जैसे लिखेंगे तो टॉप में ये एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है और मैं यहीं से इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप इसका देख सकते हैं आइकन, ये आइकन है इसका कलर स्टेटस बार, इसको आपको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं इनेबल कलर स्टेटस बार, ये आपको ऑफ मिलेगा तो आपको इसको इनेबल पे टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आगे वाले पे थीम है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी थीम आ जाएंगी, यहाँ से किसी भी थीम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से एक थीम ले लेता हूँ जिसपे आपको फोटो लगाकर दिखा देता हूँ। चलिए मैं इस थीम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपको इस थीम के बीच में कहीं पर भी क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पे आपको इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी में पहुंच जाएंगे, वहां से आप उस फोटो को ले लीजिए जिस फोटो को आपको अपने नोटिफिकेशन बार में शो करना है, दिखाना है। चलिए मैं यहाँ से कोई एक फोटो ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इस फोटो को यहाँ से ले लेता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ से इसको क्रॉप वगैरह कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितनी फोटो शो करनी है। उसके बाद में एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा डन, आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप चाहें तो अपने थीम का नेम भी यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कोई थीम का नाम दे देता हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से बैक आ जाना है। पहले मैं यहाँ से बैक करता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही बैक करेंगे तो यहाँ पे सेव एंड एग्जिट है तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आपको सेव कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने उस तरह का पेज आ जाएगा। अब आपको उस थीम पे जाना है जिस थीम को आपने बनाई है। चलिए मैं यहाँ से इस थीम को मैंने बनाई थी तो आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऐड योर थीम है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी थीम है वो आपके नोटिफिकेशन बार में लग चुकी होगी। चलिए मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं नीचे मेरे स्लाइड इसको नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में यहाँ पे ये फोटो लग चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी नोटिफिकेशन बोर्ड में आप अपनी फोटो लगा सकते हो, आप अपने दोस्तों की फोटो लगा सकते हो, या किसी की भी फोटो आप अपनी नोटिफिकेशन बार में शो कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।